वेलकम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अमित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली के सुपर बाजार बस स्टॉप से डीटीसी बसों के कौन कौन से बसों के नंबर आपको इस बस स्टॉप से मिल जाएंगे और कुछ बसें मैं यहां से कवर भी करने वाला हूं। इसके नियर में क्या क्या है ये भी आज आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा आने वाली डीटीसी बसों की सभी रूटों की जानकारी आप हमारे चैनल पर सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, इस बस स्टॉप पर आप सामने देख सकते हैं इस तरह का कुछ डिस्प्ले यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर आप ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं, बसों के रूट्स वगैरह देख सकते हैं और डिस्प्ले के ऊपर करंट टाइम भी शो हो रहा है। 5:22 का अभी टाइम हो रहा है दोस्तों। और यहाँ से आपको 19 नंबर की बस, 19 ए नंबर की बस, 73 नंबर की बस, 85 नंबर की बस, 85 EXT नंबर की बस, 91 नंबर की बस, 100 नंबर की बस, 100 ए नंबर की बस, कुल 82 नंबरों की बसें इस बस स्टॉप से होकर जाती हैं जो आपको यहां से मिल जाती हैं। और ये जा रही है दोस्तों डीटीसी की AC बस नंबर 966, इसके पीछे आ रही बस है नंबर 359 शिवाजी स्टेडियम टर्मिनल से मयूर विहार फेस 3। और ये आ गई क्लस्टर बस रूट नंबर 729 मोरी गेट टर्मिनल से लाल किला, शिवाजी पार्क, सुपर बाजार, केंद्रीय टर्मिनल, धोला कुआं, कापासेरा गाँव होते हुए कापासेरा बॉर्डर जा रही है। भीड़ देख सकते हैं दोस्तों इस बस में कितनी है। और ये नॉन एसी बस है क्लस्टर की, स्टैंड पर भी काफी भीड़ है, काफी लोग बस का इंतजार भी कर रहे हैं। और सामने है कनॉट प्लेस का पूरा मार्केट, आप सामने पूरा देख सकते हैं। और यहां से आपको ये सारे नंबरों की बसें आपको इस बस स्टॉप से मिल जाएंगे। कुल 82 नंबरों की बसें हैं जो इस बस स्टॉप से होकर जाती हैं। और स्टॉप के पास में ही दोस्तों यहाँ पर ये सुलभ शौचालय आप सामने देख सकते हैं। और ये जा रही है इलेक्ट्रिक बस नंबर 615, इसके पीछे आ रही है डीटीसी की नॉन एसी बस नंबर 500 जो कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन गेट नंबर 2 से शिवाजी पार्क, सुपर बाजार, आकाशवाणी भवन, सफदरजंग मदरसा, साउथ इंक्लेव, मालवीय नगर, हौज रानी, साकेत टर्मिनल होते हुए साकेत जे ब्लॉक जा रही है। और दोस्तों, अगर आप इस बस में डीटीसी का 40 और 50 रुपए वाला डेली पास बनवाते हैं तो वो पास इस बस में चल जाएगा। और ये आ गई AC इलेक्ट्रिक बस रूट नंबर 85 सुपर बाजार बस स्टॉप होते हुए ITO जा रही है। इसके पीछे आ रही है DTC की AC बस रूट नंबर 85 जो कि वेस्ट इंक्लेव से रानी बाग, पंजाबी बाग टर्मिनल, सादीपुर डिपो, करोल बाग मेट्रो स्टेशन, सुपर बाजार, तिलक ब्रिज, गणेश नगर, विजय लक्ष्मी अपार्टमेंट, हसनपुर डिपो, गाजीपुर डिपो होते हुए आनंद विहार ISBT जा रही है। इसके पीछे दोस्तों क्लस्टर बस रूट नंबर 522 नॉन एसी बस है ये, और ये सुपर बाजार बस स्टॉप होते हुए लाडो सराय फिरनी रोड जा रही है। ये आ गई DTC की AC बस रूट नंबर 950 जो कि क्यू ब्लॉक मंगोलपुरी से PS मंगोलपुरी, शिवाजी पार्क, सुपर बाजार, DB गुप्ता मार्केट, गोल मार्केट, गुरुद्वारा राकिबगंज होते हुए केंद्रीय टर्मिनल जा रही है। वो आ रही है दोस्तों नॉन AC क्लस्टर बस रूट नंबर 703 जो कि उत्तम नगर टर्मिनल से जीवन पार्क, जनक सेतु, डॉक्टर RML हॉस्पिटल, तिलक ब्रिज, गीता कॉलोनी होते हुए झील टर्मिनल जा रही है। और ये आ रही है दोस्तों DTC की नॉन AC बस रूट नंबर 167 जो कि शिवाजी स्टेडियम टर्मिनल से सुपर बाजार, दिल्ली गेट, विजय घाट, GTV नगर, पीतमपुरा, रू ब्लॉक होते हुए उत्तरी पीतमपुरा जा रही है। इसके पीछे आ रही है DTC की लाल वाली AC बस, और वो आ रही है दोस्तों बस रूट नंबर 246 जो कि न्यू सीमापुरी डिपो क्लस्टर से वेलकम कॉलोनी, शास्त्री पार्क, जामा मस्जिद, सुपर बाजार बस स्टॉप होते हुए शिवाजी स्टेडियम टर्मिनल जा रही है। और ये देख सकते हैं दोस्तों दिल्ली के सुपर बाजार बस स्टॉप के पास में ही कनॉट प्लेस मार्केट का पूरा एरिया। शाम के समय दोस्तों यहाँ पर काफी अच्छा लगता है, लाइटिंग वाइटिंग जलती है, जब यहाँ का पूरा व्यू देख सकते हैं आप शाम के समय कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं सामने, दोस्तों दिल्ली के सुपर बाजार बस स्टॉप से आप यहां से शंकर मार्केट भी जा सकते हैं। यहां पर पास में ही शंकर मार्केट है, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये शंकर मार्केट के लिए जा रहा है। और ये है इंदिरा चौक, ऊपर देख सकते हैं साइन बोर्ड पर एरो का निशान बना हुआ है, यहां से आप शंकर मार्केट जा सकते हैं। और ये यहाँ का पूरा व्यू देख सकते हैं, काफी अच्छा है, शाम के समय का ये पूरा व्यू है यहाँ का। काफी मार्केट, काफी दुकानें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। और ये ऑटो स्टैंड है, यहाँ से आप ऑटो वगैरह भी ले सकते हैं।
और ये आ रही है DTC की हरी वाली, इसके पीछे क्लस्टर बस और इसके पीछे आ रही है इलेक्ट्रिक बस, दो इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं। दोस्तों ये तो है कि दिल्ली में DTC बसों की सर्विस हर स्टॉप पर हर 10-10 मिनट में आपको मिल जाएगी। और दोस्तों ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि DTC बसों की और भी रूटों की जानकारी सभी को मिल सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।